सो गाइस, कुछ इस टाइप का रील्स इंस्टा पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ इस टाइप का इंस्टाग्राम वायरल रील्स एडिटिंग करना सिखाऊंगा बहुत ही ईजी स्टेप्स में। सो सबसे पहले गाइस, आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप सभी से डायरेक्टली प्ले स्टोर से या गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड जस्ट आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। तो सबसे पहले गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो आपको जिस भी वीडियो को एडिट करना है जस्ट उसको यहाँ से ऐड कर लेनी है। सो मैं यहाँ से नीचे में जस्ट प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करनी है एंड जिस भी वीडियो को आपको उस टाइप में एडिट करनी है जस्ट उसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सो चलिए मैं यहाँ से अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद गाइज मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। एंड गाइज, अभी मैं यहाँ से अपने वीडियो को VN एप्लीकेशन में ओपन कर लिया हूँ एंड सबसे पहले गाइज, जो लास्ट में यहाँ से वाटरमार्क आ रहा होगा इसको आपको सेलेक्ट करके आपको डिलीट कर देनी है एंड जो भी गाइज इसका ऑडियो होगा इसको सबसे पहले आपको म्यूट कर लेनी है। सो इतना कर लेने के बाद गाइज, सबसे पहले आपको वीडियो को स्लो मोशन करनी है। सो चलिए मैं सबसे पहले अपने वीडियो को चला कर दिखा देता हूँ, मतलब देख लेता हूँ कौन सा पार्ट हमको रखना है और कौन सा पार्ट हमको नहीं रखना है। सो कुछ इतना तक हमको रखना है एंड बाकी जो भी गाइज पार्ट है इसको मैं जस्ट यहाँ से स्प्लिट कर लूँगा एंड स्प्लिट करने के बाद गाइज इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ एंड इतना करने के बाद जस्ट यहाँ से स्पीड वाले ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ से गाइज जो भी पार्ट को आपको स्लो मोशन करना है उसको आपको जस्ट पकड़ के नीचे खींचनी है एंड जिसको आपको फास्ट रखनी है उसको आप सब ऊपर रख सकते हैं। सो कुछ इस टाइप से गाइज मैं इसको स्लो मोशन कर लेता हूँ, आप सब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो को चला के दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का हमारा स्लो मोशन हुआ है एंड कहीं कहीं मैं फास्ट भी रहने दिया हूँ। सो आप सब अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जिधर भी आपको फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए। सो मैं इसको थोड़ा सा और जो है स्लो कर लेता हूँ एंड इतना कर लेने के बाद गाइस जस्ट मैं नीचे से डन कर लूँगा एंड डन करने के बाद गाइस एक बार और मैं आपको वीडियो को ओपन करके दिखा देता हूँ, हमारा वीडियो कुछ इस टाइप से बना हुआ है एंड उसके बाद गाइस यहाँ से एक ठो ऑडियो ऐड करनी है। सो जस्ट ऑडियो जस्ट गाइस आपको ऑडियो को ऐड करने के लिए फर्स्ट वाला जो है ऑडियो का आइकॉन दिखेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करनी है एंड यहाँ पे गाइस जस्ट आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शंस पे क्लिक करनी है एंड यहाँ पे गाइस जस्ट आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करनी है एंड यहाँ से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का आपको ऑप्शन दिखेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करनी है एंड ये वाला गाइस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। सो अभी कुछ इस टाइप का आ चुका है एंड अभी गाइस जस्ट मैं यहाँ से फर्स्ट में आ चुका है यहाँ से, जैसे मैं चूज पे क्लिक करूँगा ये वाला ऑडियो हमारा आ चुका है एंड नीचे से मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ एंड देख सकते हो गाइज अभी जो भी हमारा ऑडियो है वो यहाँ से आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ऑडियो को अच्छा से सुन लेता हूँ एंड इसमें गाइज ऑडियो को सुन के जहाँ भी मतलब बेस वाला आवाज़ आएगा वहाँ पे आपको स्प्लिट कर देना है दो तीन पार्ट में। सो आप सब मेक श्योर जो है इसका ऑडियो को सुन के ही जो है स्प्लिट कीजिएगा, क्योंकि गाइज अभी मैं यहाँ से सुनूँगा तो वीडियो में जो है कॉपीराइट आने का फंडा हो जाएगा। सो चलिए मैं जल्दी से सुन के एंड वीडियो को स्प्लिट कर लेता हूँ एंड आगे आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। सो गाइज फाइनली मैंने ऑडियो के सुन के एंड अपने वीडियो को स्प्लिट कर लिया हूँ, जो फर्स्ट वाला जो है स्प्लिट आएगा वो 5:30 पे जो है इसको स्प्लिट करना है 5:30 पे। तो उसके बाद जो भी आप स्प्लिट कीजिएगा वो एकदम ऑडियो से मैच हो जाएगा एंड उसके बाद गाइज जितना भी यहाँ से तीन पार्ट में मैंने इसको स्प्लिट किया है तो सभी को गाइज जस्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ से इफेक्ट्स में जाना है एंड गाइज आप जो भी यहाँ से लगाना चाहते हैं मतलब जो भी इफेक्ट यहाँ से डालना चाहते हैं आप सब यहाँ से डाल सकते हैं एंड इसका जो है गाइज लेंथ वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं कितना देर तक आपको ये वाला इफेक्ट चाहिए। तो चलिए मैं कुछ इस टाइप से गाइज मैं कर लेता हूँ, आप सभी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा एंड तीनों में गाइज मैं यहाँ से जो है इफेक्ट वाला जो है ऑप्शंस को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप सब अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए आप सब यहाँ से रख सकते हैं एंड बाकी गाइज चलिए मैं इसमें भी कर लेता हूँ एंड यहाँ से गाइज बहुत ही अच्छे अच्छे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, आप जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो इसमें मैं इसको रखूँगा एंड अभी गाइज मैं वीडियो को चला के दिखा देता हूँ, अभी वीडियो चलाऊँगा तो ये ऑडियो आ जाएगा। सो फिलहाल मैं इसका वॉल्यूम को जीरो कर लेता हूँ एंड अभी मैं ऑडियो को मतलब जो भी वीडियो है इसको मैं चला के दिखा देता हूँ कितना अच्छा तरीके से हमारा वीडियो हुआ है। सो अभी देख सकते हो एंड गाइज अभी मैं इसका वॉल्यूम को जो है बढ़ा देता हूँ एंड गाइज जो है बीच बीच में प्लस का आइकॉन है इसको जस्ट आप सब सेलेक्ट करके एंड इसमें भी गाइज आप सब जो है इफेक्ट डाल सकते हैं, इस प्रकार का इफेक्ट आपका आएगा। तो यहाँ से अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें भी जो है इफेक्ट यहाँ से डाल देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं तीनों में जो है डाल लेता हूँ एंड इतना कर लेने के बाद गाइस जस्ट आपको यहाँ से सेव करनी है एंड एक और एप्लीकेशन को आपको
डाउनलोड करनी होगी। सो जस्ट मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ से एक्सपोर्ट ओरिजिनल वाला जो है ऑन कर लीजिएगा, एंड नीचे से आपको ओके कर देनी है। एंड अभी गाइज़ हमारा वीडियो यहाँ से गैलरी में सेव हो रहा है। उसके बाद गाइज़ आपको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है मोशन निंजा। सो उसे गाइज़ आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से या गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। सो अभी मैं इसको जो है ओपन कर लिया हूँ, एंड ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सो जस्ट आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करनी है, एंड यहाँ पे गाइज 9x9x16 रेशियो को सेलेक्ट करके, एंड नीचे से गाइज यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करनी है। एंड यहाँ से गाइज जस्ट आपको गैलरी से प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके, एंड जो भी गाइज वीडियो सेव किए थे उसको गाइज यहाँ से ऐड कर लेनी है। एंड अभी मैं यहाँ से अपने वीडियो को ऐड कर लिया हूँ। तो सबसे पहले गाइज यहाँ से जो है स्टार्टिंग में ब्लड वाला इफेक्ट आ रहा था उसको ऐड करना है। सो उसको ऐड गाइज आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे गाइज आपको बहुत सारा जो है इफेक्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले गाइज आपको इधर में स्क्रॉल करनी है, एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से ब्लड का ऑप्शन दिखेगा, जस्ट आपको इसको सेलेक्ट करनी है। एंड जो भी आपको ब्लड वाला अच्छा लग रहा है, जो भी ब्लड वाला आपको अच्छा लग रहा है वो आप, तो चलिए मैं ये वाला जो मैं रख लूँगा। एंड जितना आपको वीडियो में चाहिए आप सब यहाँ से लेंथ रख सकते हैं, तो मैं कुछ इतना रखूँगा। एंड उसके बाद गए जो फ्रेम वाला आ रहा था, मतलब एक ही वीडियो 4-5 बन जा रहा था, उस टाइप का मैं डालूंगा। सो फिर से गाइज आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे आनी है, एंड यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन, एंड यहाँ पे गाइज जस्ट आपको यहाँ पे इफेक्ट लाइब्रेरी पे आपको क्लिक करनी है, एंड यहाँ पे गाइज सर्च करनी है फ्रेम। सो अभी गाइज देख सकते हो जैसे मैं फ्रेम सर्च किया, सो यहाँ पे आ चुका है फ्रेम गो करके फर्स्ट में ही। सो जस्ट गाइज इसको आपको सेलेक्ट करनी है, एंड यहाँ पे गाइज जस्ट सेकेंड वाला कर लेनी है। एंड देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है हमारा। एंड इतना करने के बाद गाइज आपको नीचे से डन कर लेनी है। एंड अभी गाइज मैं वीडियो को आपको चला के दिखा रहा हूँ, वीडियो कितना अच्छा तरीके से हमारा यहाँ से एडिट हो चुका है। सो सॉन्ग के वजह से मैं वीडियो को पूरा प्ले नहीं कर सकता हूँ। एंड जैसे ही आप सब कुछ इस प्रकार का एडिट कर लेते हैं, आपको इसको गैलरी में सेव करनी है। सो जस्ट एक्सपोर्ट वाले आपको बटन पर क्लिक करनी है, एंड यहाँ से गाइज आपको 1080p जो भी मतलब आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कितना हाई क्वालिटी में होगा उसके हिसाब से आप सब सेलेक्ट करके, एंड यहाँ से एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो जो भी आपका यहाँ से वीडियो रहेगा वो आपका गैलरी में सेव होने लगेगा। सो कुछ इस टाइप से आप सब भी वायरल रील्स एडिटिंग कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो यकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।